ओम हेंग रिंग कलिंग चमुंडाय विचय 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 ओम हेंग रिंग कलिंग चमुंडाय उन्हें ये तप करते कई वर्ष बीत गए। हेंग रिंग कलिंग चमुंडाय विचय उनके मुख से निकले ये मंत्र पूरे ब्रह्मांड में गूंजने लगे। चमुंडाय विचय ओ हेंग रिंग कलिंग चमुंडाय विचय ओ हेंग रिंग कलिंग चमुंडाय विचय ओम हेंग रिंग कलिंग चमुंडाय उनकी कठोर तपस्या से प्रसन्न हो नौ देवियों का संयुक्त रूप माता वैष्णवी ने बर्बरीक को साक्षात दर्शन दिए। ओम हेंग रिंग कलिंग चमुंडाय विचय हे पुत्र बर्बरी हेंग रिंग कलिंग चमुंडाय विचय पुत्र बर्बरी आंखें खोलो पुत्र चमुंडाय विचय हे माता अपने पुत्र का प्रणाम स्वीकार करें। तुम्हारे यश वे तेज का प्रकाश तीनों लोकों में फैलता रहे पुत्र बर्बरीक। हे माता आप तो माता लक्ष्मी माता काली माता दुर्गा सहित सभी नौ देवियों का संयुक्त रूप हैं। हे माता वैष्णवी आज आपने हमें साक्षात दर्शन देकर सचमुच हम पर बहुत बड़ा उपकार किया है। नहीं पुत्र बर्बरीक ये तो मेरा कर्तव्य था। तुमने हमारी इतने वर्षों से जो कठोर भक्ति की है उससे मैं अति प्रसन्न हूँ। अतः हे बर्बरीक तुम हमसे कोई भी दो वरदान मांग सकते हो। हे माता स्वयं भगवान विष्णु के अवतार वासुदेव श्री कृष्ण ने मेरे जीवन का उद्देश्य जगत कल्याण बताया है और मैं अपने इस लक्ष्य को हर हाल में प्राप्त करना चाहता हूँ। माता मैं इस पृथ्वी से दुष्टों पापियों व अधर्म फैलाने वालों का विनाश करना चाहता हूँ ताकि चाहूँ और सुख शांति हो। माता हर तरह से बेसहारा दुखी वे हारे इंसान का मैं सहारा बनना चाहता हूँ और हे माता वैष्णवी ये तभी संभव है जब मुझे अपार शक्ति व ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति होगी। अतः माता आप मुझे यही वर प्रदान करें। हे पुत्र बर्बरीक मैं तुम्हारे जीवन के उद्देश्य वे भावनाओं से परिचित हो अति प्रसन्न हुई। तुम हमसे वरदान में और भी बहुत कुछ मांग सकते थे किंतु तुमने अपने निजी हितों को त्याग कर जग की भलाई के लिए अपने वर मांगे। तो हे पुत्र सर्वप्रथम
मैं तुम्हें ब्रह्म ज्ञान प्रदान करती हूँ। हे बर्बरिक, ये ब्रह्म ज्ञान ऋषि मुनि योगियों को हजारों वर्षों के कठोर तप के बाद भी प्राप्त नहीं होता, जो मैंने तुम्हें प्रदान किया है। और हे पुत्र, मैं तुम्हारे बल वृद्धि के लिए तुम्हें ये धनुष व ये तीन अमोघ वाण प्रदान करती हूँ। हे पुत्र बर्बरिक, ब्रह्मा विष्णु महेश के अतिरिक्त तुम्हारे इन बाणों का सामना तीनों लोकों में कोई नहीं कर सकता। ये अमोघ वाण अचूक वे तुम्हारे मन की इच्छा जानकर ही कार्य करेंगे तथा हर लक्ष्य भेदन के पश्चात ये वापस तुम्हारी तर्कस में आ जाएंगे। हे बर्बरिक, तुम्हारे पास जो दुर्लभ शक्ति है ये तीनों लोकों में किसी के पास नहीं है। हे जगत माता, हे आदि शक्ति, हे कल्याणकारी माता, आज आपने मुझे ब्रह्म ज्ञान व ये अमोघ शक्तियाँ दे सचमुच में मेरा स्थान बहुत ऊंचा कर दिया। हे माता वैष्णवी, ये बर्बरिक भी आपको वचन देता है कि आपके द्वारा प्रदान इन शक्तियों का मैं कभी दुरुपयोग नहीं करूँगा, अपितु इनसे मानव कल्याण व दुखियों के दुख दूर करूँगा। मुझे तुमसे यही आशा थी पुत्र बर्बरिक, लेकिन मैं इसका कोई प्रमाण भी चाहती हूँ। प्रमाण? हे माता, आप आदेश दें कि मुझे क्या करना होगा जिससे मैं आपको धर्म रक्षा का प्रमाण दे सकूं। और माता, ये तो मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात होगी। हे बर्बरिक, मगध देश से विजय नामक ब्राह्मण हवन यज्ञ जप तप व पूजा में सिद्धि प्राप्त करना चाहता है। उसके द्वारा ये सिद्धि प्राप्त करने से समस्त मानव जाति को बहुत लाभ पहुँचेगा। ये अपने आप में बहुत ही महान व अनूठा कार्य है, लेकिन इसमें एक बाधा है। बाधा? बाधा कैसी माता? बाधा ये है बर्बरिक कि इस कार्य को संपन्न करने के लिए उस ब्राह्मण को एकाग्रता से हवन करना पड़ता है, और जब वो मंत्रों उच्चारण कर अग्नि में आहुति देते हैं तो उससे उन राक्षसों को बहुत पीड़ा होती है जो अधर्मी वे पाप कर्म करते हैं तथा उनका शरीर बुरी तरह से जलने लगता है, और वो राक्षस उस ब्राह्मण के यज्ञ में बाधा पहुंचाते हैं तथा उन्हें ये सिद्धि प्राप्त नहीं करने देते। अब तक तो ब्राह्मण विजय के प्राणों की रक्षा मैंने की, किंतु उन राक्षसों ने अपनी मायावी शक्तियों द्वारा उनका यज्ञ पूर्ण नहीं होने दिया। अतः हे बर्बरिक, मैं ये चाहती हूँ कि तुम उस ब्राह्मण की रक्षा कर उसके यज्ञ को पूर्ण करने में उनकी सहायता करो ताकि वो सब प्रकार की सिद्धियाँ प्राप्त कर सकें जो मानव कल्याण के लिए अति आवश्यक हैं। हे माता जगदम्बा, आप ब्राह्मण विजय की ओर से निश्चिंत रहें, मैं अपने प्राण देकर भी उनकी रक्षा करूँगा। हे पुत्र बर्बरिक, हमें तुमसे यही आशा थी। पुत्र, यहाँ से जाने पर
थोड़ी ही दूरी पर तुम्हारी भेंट ब्राह्मण विजय से स्वतः ही हो जाएगी। जैसी आपकी आज्ञा माता, प्रणाम। यशस्वी भव पुत्र। हे ब्राह्मण देव, प्रणाम। प्रणाम। यदि मैंने आपको पहचानने में कोई गलती नहीं की तो आप विजय नामक ब्राह्मण हैं। और विद्या मंत्रों की सिद्धि करना चाहते हैं। हे वीर पुरुष, आप जो कह रहे हैं वो पूर्णतया सत्य है। मैं ही विजय नामक ब्राह्मण हूं। और ये भी सत्य है कि मैं कई प्रकार की सिद्धियां प्राप्त करना चाहता हूं, किंतु ये सब आपको कैसे पता? क्या मैं आपका परिचय जान सकता हूं? क्यों नहीं ब्राह्मण देव, मैं पांडव कुलभूषण, भीमसेन का पौत्र व राक्षस राज घटोत्कच का पुत्र बर्बरिक हूं। बर्बरिक? हे ब्राह्मण देव, महीसागर संगम पर तुम्हें अति शक्तिशाली भीमसेन पुत्र बर्बरिक मिलेंगे, अतः तुम वहां जाओ, अब वही तुम्हारी रक्षा करेंगे। क्या हुआ ब्राह्मण देव? आप किस सोच में पड़ गए? अब आपको चिंतित होने की तनिक भी आवश्यकता नहीं। आप निश्चिंत होकर अपना यज्ञ प्रारंभ करें, क्योंकि अब ये घटोत्कच पुत्र बर्बरिक आपकी रक्षा करेगा और मेरे होते आपको कोई राक्षस किसी प्रकार की अक्षति नहीं पहुंचा सकता। जिनकी रक्षा में आप जैसा वीर खड़ा हो, भला उसका कोई क्या बिगाड़ सकता है? और
मैं तो तुम्हारे पास ही आ रहा था बर्बरी, क्योंकि माता वैष्णवी ने सौपन में मुझे आपके बारे में सब कुछ बता दिया था। हे ब्राह्मण देव, मैं भी महीसागर संगम से माता के आदेश पर ही आपसे भेंट करने आ रहा था, और ये सचमुच में मेरा सौभाग्य है जो ऐसे महान कार्य में मैं आपकी सहायता कर रहा हूँ। सौभाग्य तो हमारा है बर्बरी, जो मुझे आज आपके दर्शन हुए। तुम तो पांडव कुल का वो चमकता सितारा हो जिसकी चमक के आगे सूर्य का तेज भी फीका पड़ जाता है। मैं तुम्हारे चरण स्पर्श करना चाहता हूं बर्बरी। नहीं ब्राह्मण देव, ये आप क्या कह रहे हैं? ऐसा कह के आप मुझे लज्जित ना करें, क्योंकि एक ब्राह्मण का स्थान तो देवताओं से भी बढ़कर होता है। स्वयं परम पिता परमात्मा यानी भगवान विष्णु भी ब्राह्मण के चरणों में नतमस्तक होते हैं। ब्राह्मण की सेवा से बढ़कर और कोई पुण्य कार्य नहीं होता, क्योंकि सृष्टि रचयिता ब्रह्मा जी ने सभी वेद पुराणों व शास्त्रों का समायोजन केवल ब्राह्मण में ही किया है। हे बर्बरिक, सचमुच तुम बहुत महान हो। एक दैत्य के घर जन्म लेकर भी तुम्हारी ये सोच, तुम्हारे विचार, आदर सत्कार की तुम्हारी शैली तुम्हें देवताओं से भी उच्च स्थान पर विराजमान करती हैं। हे बर्बरी, मैं अपनी विद्या मंत्रों व कई अन्य प्रकार की सिद्धियों के लिए यहीं पर अपना यज्ञ प्रारंभ करता हूं, और मेरे यज्ञ प्रारंभ करते ही मुझ पर दुष्ट दैत्य, दानव व राक्षस हमला करेंगे। तुम्हें उन्हें ऐसा करने से रोकना होगा, और हां, इस बात का भी स्मरण रखना कि वो चाहे कितना ही शौर्य क्यों ना करें, इससे मेरा अनुष्ठान भंग नहीं होगा। बस वो मुझे स्पर्श न कर पाए, क्योंकि उनके स्पर्श करते ही यज्ञ अपवित्र हो जाएगा। हे ब्राह्मण देव, आप निश्चिंत होकर अपना यज्ञ प्रारंभ करें। मेरे होते आपको कोई दैत्य, दानव या राक्षस किसी प्रकार से कोई अक्षति नहीं पहुंचा सकेंगे। मैं पूरी निष्ठा व तत्परता से आपकी रक्षा करूंगा। अतः आप बिना विलंब किए अपना अनुष्ठान प्रारंभ करें। Ha ha ha!
यज्ञ को यही बंद कर, वरना मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है दुष्ट राक्षसी। निहत्थे ब्राह्मण को मारने की बात कहती हो, यदि तुम में इतना साहस है तो अपनी मायावी शक्तियों को समेट कर हमारे सामने आओ, फिर देखना ये बर्बरीक तुम्हारा क्या हश्र करता है। हमारे सामने आओ। वरना इस ब्राह्मण के साथ तुम भी मारे जाओगे। भाग जाओ, मैं तुम्हें एक अवसर प्रदान करती हूं। दुष्ट राक्षसी, हमारा जन्म जिस क्षत्रिय कुल में हुआ है उस कुल में ये शिक्षा नहीं दी जाती कि सामने खड़े शत्रु को पीठ दिखाकर भाग जाओ, अपितु हमें तो ये सिखाया गया है कि जब तक शरीर में प्राण है, रक्त की एक बूंद भी शेष है, तब तक अपने सामने खड़े योद्धा का सामना करो। यही सच्चे क्षत्रिय का धर्म है। और अक्षत्रिय कुल के योद्धा कभी क्षत्रियों पर वार नहीं करते। तुम राक्षसी होने के साथ साथ एक स्त्री भी हो, इसलिए हम भी तुम्हें एक अवसर प्रदान करते हैं। तुम अपनी दृष्टता छोड़कर चुपचाप वापस लौट जाओ। दुष्ट बर्बरीक, अपनी कायरता को महानता का रूप ना दे। मुझे मालूम है कि तू ये सब बातें हमसे डर कर कर रहा है। जब तुम्हारी मृत्यु तुम्हारे सामने आई तो तुम्हें क्षत्रिय कुल की मर्यादाएं दिखाई देने लगी। कायर दुष्ट, मुझे अपनी अक्षत्रिय कुल की परंपराएं तोड़ने पर विवश न कर दुष्ट राक्षसी। मैं तो तुम्हारे अंदर एक स्त्री का रूप देख रहा था, लेकिन तुम तो केवल एक राक्षसी हो, केवल एक राक्षसी। तुम जैसी पापी, अधर्मी व अहंकारी को जीवित रहने का कोई अधिकार नहीं। तो ये ले दोष। Thank you.
दुष्ट राक्षसी, बुरे काम का बुरा परिणाम। हे ब्राह्मण, बंद कर इस यज्ञ को। मैं कहता हूं बंद कर इस यज्ञ को, वरना मैं तुम्हें चींटी की भांति मसल दूंगा। ठहरो। तुम जैसे विशाल काय दानव के लिए ये शोभा नहीं देता कि तुम इस तरह किसी निहत्ते व यज्ञ कर रहे ब्राह्मण के प्राण लो। आखिर इसके साथ तुम्हारी दुश्मनी क्या है? ये ब्राह्मण कोई साधारण इंसान नहीं है। ये इस यज्ञ द्वारा कई प्रकार की सिद्धियां प्राप्त करना चाहता है। अगर इसने ये सिद्धियां प्राप्त कर ली तो मानव की शक्ति बहुत बढ़ जाएगी, जिससे हम दैत्यों का विनाश हो जाएगा। और जब ये ब्राह्मण यज्ञ में आहुति डालता है तो हमारा शरीर जलने लगता है, जिससे बहुत पीड़ा होती है। इस कारण इसको मारना अत्यंत आवश्यक है। किंतु मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगा। तू रोकेगा मुझे? अरे मूर्ख, लगता है इस ब्राह्मण से पहले मुझे तुमको ही समाप्त करना पड़ेगा। अपने से ताकतवर का सम्मान करना सीख दुष्ट। पता नहीं किस कुल में जन्म लिया है जो दैत्यराज मरकंड की शक्तियों से अनभिज्ञ है। तुम जैसे दुष्ट को तो मृत्यु दंड मिलना चाहिए। अपनी वाणी पर संयम रखें दैत्यराज मरकंड, अन्यथा एक वाण से तुम्हारे अस्तित्व को समाप्त कर दूंगा।
और तुम मेरे कुल के बारे में जानना चाहते हो तो सुनो, 60 करोड़ राक्षस जिसके अधीन हैं, मैं उस राक्षस राज घटोत्कच का पुत्र बर्बरिक हूं और मैं तुम्हें अंतिम बार चेतावनी देता हूं, दैत्य राज मरकंड वापिस लौट जाओ, अन्यथा हम तुम्हें ऐसी मृत्यु देंगे कि तुम आने वाले 7 जन्मों तक हमारे नाम से भी थर्राओगे। अब तुम्हें कोई नहीं बचा सकता बर्बरिक, तुम एक राक्षस कुल में पैदा हुए हो, मानव का साथ देते तुम्हें लज्जा नहीं आती? क्या हमारी तरह इसके यज्ञ कुंड में आहुति डालने से तुम्हारा शरीर नहीं जलता? तुम अपने राक्षस कुल की नीतियों से विमुख हो रहे हो। दैत्यराज, कोई भी कुल या धर्म की नीति ये नहीं कहती कि अधर्म के मार्ग पर चलो, निर्दोष प्राणियों पर अत्याचार करो, फिर चाहे वो मानव, दानव, राक्षस या अन्य कोई भी कुल से क्यों न हो। कोई भी कुल या वंश महान तभी होता है जब उसके वंशज अच्छे कर्म करें, क्योंकि उनके अच्छे या बुरे कर्मों से ही कुल का निर्धारण होता है। यदि कोई मानव कुल में जन्म लेकर भी बुरे कर्म करता है तो उसे भी राक्षस की संज्ञा दी जा सकती है। इस यज्ञ में आहुति डालने से तुम्हारे शरीर में जलन होती है और हमें आनंद प्राप्त होता है, वो इसलिए क्योंकि तुमने आज तक अपने जीवन में बुरे कर्म किए हैं और हमने तुम जैसे बुरे कर्म करने वालों को मृत्यु दंड दिया है, और शायद विधाता ने तुम्हारी मृत्यु भी मेरे हाथों से लिखी है। बहुत सुन लिया तुम्हारा उपदेश बर्बरिक, और तुम क्या मुझे मृत्यु दोगे? दैत्यराज मरकंड तो स्वयं काल है।